KSN 24 पल पल की खबर। जांजगीर जिले के ग्राम पंचायत मुड़पार में पुलिस की निजी वाहन ने एक बच्चे को ठोकर मार दी। हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार देने के बाद बिलासपुर रिफर कर दिया गया है। हादसे को लेकर पामगढ़ थाने में शिकायत दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि 12 वर्षीय हेमलाल खूंटे सड़क किनारे खड़ा था, तभी कुथुर की ओर से आ रही चार पहिया वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना में बालक के सिर पर गंभीर चोट लगी, जिसे तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उसे बिलासपुर रिफर कर दिया गया। जिस वाहन से हादसा हुआ है वह निरीक्षक अब्दुल शफीक की बताई जा रही है। क्या नाम है गुड़िया का? प्रिया खुटे। अच्छा, कैसे एक्सीडेंट हुआ? वो जांजगीर से आ रहा था, अभी मेरा भाई वहाँ बस्ती से आ रहा था, तभी ना वो स्पीड में था और जांजगीर तरफ से आ रहा था बहुत स्पीड में। मैं भी वहाँ पर खड़ा होकर देख रही थी, तभी आया और ठोकर रेंग दिया। कौन है आपका वो एक्सीडेंट हुआ? मेरा भाई है, छोटा भाई। क्या नाम? चंद्रशेखर खुटे। क्या नाम है भैया? तो रामधनी खुटे। अच्छा, कल कैसे एक्सीडेंट हुई? कौन है दोरो? भतीजा है मोर, चंद्रशेखर। अच्छा, और राहुल सर से खड़े रही से आतरी से दुकान से। अच्छा, पुलिस वाला का गाड़ी है। हाँ, आकर ठोक दिया। अच्छा, कैसी ले आतरी से गाड़ी? वो जांजगीर तरफ से आ रही। अच्छा, कौन है वहाँ? वो ATI है। एक्सीडेंट कौन है? चंद्रशेखर मेरा भतीजा है। अच्छा, हाँ। कितना समय का घटना? 4 बजे का है आसपास। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24।